लाखों दर्शकों का भरोसेमंद न्यूज चैनल R9 भारत। ड्रग पैडलरों के विरुद्ध पुलिस की एक और बड़ी कार्रवाई, 1 करोड़ के ब्राउन शुगर के साथ पारा शिक्षक गिरफ्तार। प्रतापपुर थाना पुलिस ने योगियारा गांव से सियाराम पासवान को किया गिरफ्तार। गिरफ्तार पारा शिक्षक के घर से करीब 1 किलो ब्राउन शुगर जब्त। मामले को लेकर गोलबंद हुए ग्रामीण, पुलिस पर लगाया पारा शिक्षक को फर्जी केस में फंसाने का गंभीर आरोप। थाना के बाहर धरने पर बैठे सैकड़ों ग्रामीण कर रहे मामले की निष्पक्ष जांच, कर आरोपी पारा शिक्षक को छोड़ने की मांग। प्राथमिक विकास अहिरपुरवा का सचिव है गिरफ्तार शिक्षक। आइए इस साल दुर्गा पूजा में कपड़ों की शॉपिंग करें फैशन क्वीन से, जहां पर हर खरीदारी पर मिल रहा है 25% तक की छूट का सुनहरा मौका। इतना ही नहीं, हर खरीदारी के साथ फैशन क्वीन आपको दे रहा है निश्चित उपहार। फैशन क्वीन, क्या मामला? आप लोग सुबह से आकर यहाँ पे थाना परिंगन में मतलब घेराव कर रखे हैं, इसके पीछे क्या कारण है? हम लोग सुने ना सर कि इस तरह से मामला है, तो हम लोग वहाँ खाली सर है से गाड़ी वहाँ लगाने से आराम से जाते हैं, बस सिर्फ बाहर का चाबी रखते हैं और इतने ही उनको मतलब है, अंदर से उनको कोई मतलब नहीं। बुरा मामला क्या है मतलब कि आप लोग यहाँ क्यों आए हैं? ये उन लोग पकड़ के झूठ के साजिश करके लाया गया है यहाँ, कोई रख दिया होगा इसके चलते ने उनको लाया गया है यहाँ। ये सुबह में सोए हुए थे अंदर और वो घर पर एक और घर है वहाँ, और वहाँ से इनको उठा करके यहाँ लाया गया। तो आप लोग क्या चाहते हैं? न्याय चाहते हैं हम लोग, जाँच करवाना चाहते हैं कि आखिर इस मामला का न्याय ना होगा तो थोड़ा हम लोग यहाँ से जाएंगे। जो 11 का ग्रामीण सदस्य हम लोग सारे इकट्ठा हुए हैं, सियाराम पासवान कोई छोटा मोटा नाम नहीं है, हम लोग वर्षों से जानते आ रहे हैं को गान बजान का काम, और ग्राम के शिक्षक हैं, पारा शिक्षक हैं, उनको ये सब काम में ना ही कभी कोई ग्रामीण लोग देखा है, ना ही कभी कोई ऐसा सोच सकता है। झूठा मूठा केस में इनको कुछ लोग बस फंसाने का काम कर रहा है। हम लोग चाहते हैं कि जो भी मिला है बरामद हुआ है, हम लोग ग्रामीण जनता को कुछ नहीं पता कि क्या हुआ है। अलग अलग सिलसिले में लोग कह रहा है कि ये फेंक दिया गया, अफीम है, शुगर है, ब्राउन शुगर है, जो भी है हम लोग गवर्नमेंट से मांग करेंगे, चतरा के DC से मांग करेंगे कि उसका नार्को टेस्ट हो, पता लगे कि वो है क्या है, और उसके बावजूद ही जिस जगह से मिला है उस जगह का भी फिर से जांच हो कि क्या ऐसे किसी कार्य में सियाराम पासवान को कभी देखा गया है। पूरा ग्रामीण से पूछा जाए कि क्या कोई भी ग्रामीण उनके ये में बोलना चाहता है कि हाँ भाई ऐसा काम में वो कभी फंसे हैं, कभी हुए हैं, ऐसा हम लोग बिल्कुल नहीं जानते हैं। वो पूरे जिले लेवल पर पूरा भारत के लिए उनको सम्मानित भी किया है, उनकी गायकी के लिए, उनके शिक्षण के लिए। तो हम लोग सारे लोग ग्रामीण के सारे लोग अभी यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं, सभी लोग हम लोग जानते हैं कि ऐसे काम में वो कभी थे ही नहीं और ना कभी ऐसे काम में वो रहेंगे। तो हम लोग चाहते हैं उनको न्याय हो, और ये जो झूठा आरोप जो भी लगाया है सरकार इस पे खोज करे, चतरा पुलिस इस पे खोज करे और उसको जेल किया जाए। हम लोग सारे जनता लोग यही मांग करना चाहते हैं, सियाराम पासवान गलत नहीं है और नहीं हो सकते हैं। हम लोग पूरा ग्रामीण जाते हैं, सारे ग्रामीण आज इकट्ठा हुए हैं इस थाना के सामने हम लोग, और पुलिस कुछ बोलने देने का मौका नहीं दे रहा हम लोग का, रोड पे रोक रखी है, हम लोग को अंदर जाने का भी नहीं दिया जा रहा है। अगर ऐसा बात है, अगर उनको किसी तरह से कार्रवाई आगे होगी तो हम लोग पूरा मांग करेंगे और जिले तक जाएंगे, क्योंकि सियाराम पासवान आरोपी नहीं है, उनको झूठे मूठे केस में फंसाया जा रहा है और हम लोग पूरा ग्रामीण इसके लिए इकट्ठा हुए हैं। किसी को हम लोग के घर में कोई फंसा सकता है? किसी के घर में फंसा सकता है आदमी? सियाराम कोई फंसा सकता है? इसको पता होगा ना कि कौन कौन किया थे? पुलिस के बाहर करने वाला कौन था? नाम बता दे। सियाराम पासवान को जो पकड़ के लाया गया है, तो वहाँ के यहाँ की जनता यही चाहती है कि जब अगर फोन किया गया, उनको बाउंड्री करवाया गया, टायर के पास रखा हुआ है, तो ये जानकारी कहीं ना कहीं कोई दिया है उनको, ठीक है, पुलिस गई पकड़ के लाई, तो कोई भी गलत करेगा तो उसको पुलिस पकड़ के लाएगी। लेकिन यहाँ पर जांच का विषय ये बनता है कि ठीक है, एग्जिट कैसे मिला? अगर सियाराम पासवान वहाँ रखे ही थे तो कौन देखा वहाँ? सबसे पहले यहाँ पर बनता है पॉइंट। दूसरी चीज, पुलिस को कोई बताया होगा ना? दूसरी चीज, अगर कोई वहाँ छुपाती भी है तो क्या किसी को देख के छुपाएगा? नहीं, कोई भी व्यक्ति हो, चाहे हम हो, आप हो या कोई भी हो। तीसरी पॉइंट ये बनता है
कि सियाराम पासवान को अगर जो लाया गया, इनके पहले बैकग्राउंड देखा जाए कि सियाराम पासवान क्या इस कार्य में पहले भी इन्वॉल्व है कि नहीं है। अगर इन्वॉल्व है, अगर पुलिस डाटा में है तो भाई वो दोषी हो सकते हैं। लेकिन सियाराम पासवान को यहाँ पूरी ग्रामीण जनता है, प्रखंड लेवल पर भी जानता है, पूरा यहाँ पर देश उनको प्रतिभा सिंह पाटिल राष्ट्रपति थे उनको द्वारा पुरस्कृत यहाँ पर किया गया था, पूरा राज जानता है इनको और इनका छवि लोग जानता है। तो यहाँ पर कहीं कहीं एक विषय बनता है कि आप जांच करें, अगर सियाराम पासवान दोषी हैं तो उनको कार्रवाई हो, अगर निर्दोष हैं तो उनको यहाँ पर पुलिस तक अथी जाँच करे कि जो फोन अगर उनको किया है वही भी पूछताछ करे कि हाँ अगर ठीक है फोन किया तो आप किस तरह जाने। तीसरी चीज कि जैसे ये इनका पहले था गोदाम था तो इन डीलर के रूप में थे, 6 महीना पहले ये इनको हटा भी दिया गया था, उसमें यहाँ पर सुने कि मुलायम यादव है वही चला रहे हैं। तो अगर मुलायम यादव चला रहे हैं तो भाई वहाँ पर ही अगर जैसे बोंडी जो है तो उनके पास भी चाबी है तो कहीं कहीं एक विषय बनता है कि उनको टोटल से जाँच किया जाए, यही चीज यहाँ पर जनता के मान आप लोग जाँच करवाना चाहते हैं। अगर सियाराम पासवान दोषी है तो भेजा जाए, अगर निर्दोष है तो जाँच किया जाए। कहीं आज बोंडी के पास मिल रहा है, कल हो सकता है कहीं और मिल जाते, क्या कहीं जाँच करेगी नहीं।